So, welcome guys to CSCS problem set solving solutions. यहाँ पर है अपने पास coin pulse. This is the problem number 11 I think of CSCS. So, this question is here is simple. You have two coin pulse containing A and B coins. On each move, you can either remove one coin from the left pile or and two coins from the right pile or two coins from the left pile and one coin from the right pile. Okay, so this question here simply यहाँ पर दिया गया या फिर आपके पास दो ही ऑप्शन है, या फिर आप चाहो तो एक कॉइन राइट से रिमूव करो दो कॉइन लेफ्ट से, या फिर दो कॉइन्स लेफ्ट से रिमूव करो या फिर एक कॉइन और एक कॉइन लेफ्ट राइट से. तो यहाँ पर अपना काम ये है कि अपने को ऐसे इस प्रोसेस को फॉलो करके ऐसे कोड लिखना है जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे जैसे कि ये सब साइकिल ख़त्म होने के बाद ये इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन यूज़ करके ये कोई भी साइकिल ख़त्म होने के बाद अपने पास दोनों ही पाइल में कुछ कॉइन ना बचे. ओके, लेट मी ब्रिंग आउट द वाइट बोर्ड फर्स्ट. ओके सो यहाँ पर देखिए मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सपोज यहाँ पर दिया गया है इन क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट यहाँ पर ए और बी कंटेनिंग ए और एंड बी दो पाइल्स हैं ए और बी के. सपोज अपन ले लेते हैं यहाँ पर यहाँ पर अपन सपोज ले रहे हैं यहाँ पर सपोज ए करके एक पाइल है और बी करके और एक पाइल है, जितने भी हो सकते हैं नंबर, मतलब नंबर ऑफ पाइल्स जितने हो सकते हैं, लेकिन अपने काम है सिर्फ एक ही इटरेशन में करना है अपन को और दूसरे बारे में बाद में सोचना है. अगर एक ही में सॉल्व हो गया तो बाद में कुछ हो ही जाएगा सॉल्व. ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन है अपन यहाँ से सिर्फ एक ले सकते हैं, यहाँ से सिर्फ दो ले सकते हैं, या फिर यहाँ से दो ले सकते हैं और यहाँ से एक ले सकते हैं. यही दो ऑप्शन अपन को क्लियर करना है. ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पर क्वेश्चन से ही पता चल रहा है ए और बी का वैल्यू मतलब मिनिमम से मिनिमम क्या होना चाहिए, वन और टू हो सकता है, फिर टू और वन हो सकता है. तो यहाँ से एक कंडीशन को तो पता ही चल ही गया कि यहाँ पर ए प्लस बी मस्ट बी डिविजिबल बाय थ्री. ओके, ए प्लस बी मॉड थ्री हैज टू बी इक्वल्स टू जीरो. ये तो एक कंडीशन है पता चल गया. अभी चेक करते हैं अपने और क्या कंडीशंस को चेक करना है यहाँ पर. ठीक है, देखिए ये तो मिनिमम कंडीशंस है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशन देखिए क्वेश्चंस में ही दिया गया है, तो ये सब इनपुट है. टू वन के लिए तो चेक हो ही गया, थ्री थ्री के लिए चेक हो ही गया, अब टू टू नहीं हो रहा है. ठीक है, टू टू नहीं हो रहा है ये ठीक है, लेकिन फिर भी चेक करते हैं मतलब किस किस कंडीशंस में और क्या कंडीशंस हो सकते हैं इसमें. ठीक है, सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सपोज वी हैव ए राइट, सपोज वी हैव ए इक्वल्स टू एट एंड बी इक्वल्स टू लेट्स से वन. ओके, एट प्लस वन विच इज़ डिविजिबल बाय थ्री, तो अपना फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करता ही है ये. ठीक है, लेकिन यहाँ से अगर दो निकाल देंगे, यहाँ से एक निकाल देंगे, तो एम्प्टी पाइल एम्प्टी नहीं हो रहा है. तो इसमें क्या हो सकता है, अगर अपन यहाँ पर एक इंक्रीमेंट करते हैं, अगर बी का वैल्यू दो लेते हैं फिर भी पाइल एम्प्टी नहीं हो रहा है. सिमिलरली अगर थ्री लेते हैं फिर भी एम्प्टी पाइल नहीं हो रहा है, अगर फोर ले रहे हैं तब देखेंगे तो यहाँ से दो निकलेगा, तो यहाँ से दो निकलने के बाद यह बन जाएगा अपना छः, और यहाँ से एक निकलने के बाद यह बन जाएगा तीन. ठीक है, तो यहाँ से दो निकलने के बाद बन जाएगा ये चार, और यहाँ से एक निकलने के बाद ये बन जाएगा टू. सिमिलरली यहाँ से दो निकलने में ये बन जाएगा टू, और एंड में ये बन जाएगा वन, और फाइनली द आंसर विल बी नो जीरो एंड जीरो कम अप टू जीरो. लेट्स टेक अनदर वैल्यू, यू हैव टेकन द एग्जाम्पल एट एंड फोर, लेट्स इंक्रीमेंट दिस वी वैल्यू फर्दर. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन वी फाउंड आउट दैट the b's value whatever the minimum is there among a and b, b has to be you know at least half of the a's value or half of the maximum value, or the maximum value has to be at least two times
that of the minimum value. Okay, so let's consider another example. Let's take 7. Okay, 7 होता है क्या? So 7 था अपना, ये condition satisfy, 8 plus 7 is 15, 15 is divisible by 3. So let's just take this case. यहाँ से 2 remove करेंगे तो ये बन जाएगा अपना 6. यहाँ से 1 remove करेंगे तो 6. यहाँ से अब यहाँ पर किसी भी कोई भी condition लगा रहे हैं, सपोज ये नीचे से ही 2 remove कर लेते हैं तो 2 remove करने से बन जाएगा ये 4, और 1 remove करने से ये बन जाएगा क्या 5. इसमें से अगर ऐसे ही चलता जाए, यहाँ से 1 रिमूव करने से ये बन जाएगा 4, यहाँ से 2 रिमूव करने से बन ये बन जाएगा 3. ठीक है, आई थिंक आई डोंट समथिंग रॉन्ग हियर. यहाँ से 6 से 5 गया, 6 से 4 हुआ, तो 4 से हाँ तो हाँ यहाँ से 2 निकालने के बाद ये बन जाएगा 3, तो यहाँ से 1 निकालने का बन जाएगा ये भी 3, तो यहाँ से 2 निकालने का बन जाएगा ये 1, यहाँ से 1 निकालने के बाद ये बन जाएगा 2, तो 2 प्लस 1 वो भी बन रहा है. तो अपने को अभी दो कंडीशन मिल गए, या फिर a प्लस बी का जो मॉड्यूलो होगा 3 के साथ, या फिर a प्लस बी शुड बी डिविजिबल बाय 3. और एक कंडीशन है, जो भी मिनिमम वैल्यू होगा a और b के बीच में, a और b के बीच में, वो या तो उसका ट्वाइस होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के, या फिर ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू, या फिर ग्रेटर दैन होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के और इक्वल्स टू होना चाहिए मैक्स ऑफ ए कॉमा बी. यही दो कंडीशन बस इसमें यूज करना है अपने को. तो कोडिंग करते हैं, लेट्स स्टार्ट विथ हियर. ओके, सो अपने को पहले इनपुट लेना है, तो इनपुट इन द क्वेश्चन इट इज गिवन एंड बी द इनपुट सी इनपुट एंड फर्स्ट लाइन हैज टू बी टी, इंटीजर टी, द नंबर ऑफ टेस्ट. ओके, सो नंबर ऑफ टी लेते हैं, नंबर ऑफ टेस्ट. सो टी इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट टी इक्वल्स टू, सो ये अपन यहाँ पर आ जाएगा टी. तो अभी अपन जो कॉइन पाइल्स हैं तो उसको इनिशिएट कर लेते हैं, ए इक्वल्स टू जीरो, बी इक्वल्स टू जीरो, ये ना करने से भी चलेगा. ठीक है, फॉर आई इन रेंज टी, तो टी टाइम्स के लिए चलना है. तो यहाँ पर फिर से अपने को दो इनपुट चाहिए जो ए और बी में स्टोर करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस पे दिया है. तो अपने को जितने बार जितना भी टी का वैल्यू उतना बार वो लूप को चलाना है, और दो इनपुट्स देना है उसके ऊपर. ये दो कंडीशंस अभी जो बताया कंडीशंस का अप्लाई कर लेंगे. ठीक है, तो ए इक्वल्स टू इंट इनपुट ऑफ देख लेते हैं ए इक्वल्स टू, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर ही लेते हैं. ओके, बी इक्वल्स टू ए, बी का वैल्यू अभी इनपुट आ चुका. अभी क्या कंडीशंस दो हैं, तो ए प्लस बी का वैल्यू मॉड्यूलस 3, या फिर मॉड्यूलस 3 का 0 होना चाहिए, या फिर ए प्लस बी का जो समेशन है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पर कंडीशन लिखते हैं, इफ ए प्लस बी मॉड्यूलो 3 इक्वल्स टू 0, एंड दोनों ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, इसलिए एंड ए सॉरी मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी, जो भी मिनिमम वैल्यू यहाँ पर आए शुड बी इन क्या होना, दो गुना होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के, या फिर ज़्यादा, या फिर दो गुना होना चाहिए. तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू ओके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉमा बी. ठीक है, तो अगर ये होता है कंडीशन ट्रू होता है तो प्रिंट यस, एल्स प्रिंट नो. ओके, सिंपल, रन कर लेते हैं प्रोग्राम को. सपोज टी इक्वल्स टू 3, व्हाटएवर द कंडीशंस, चाहे जो टेस्ट केसेस जो दिए हैं उसी को टेस्ट कर लेते हैं. 2 1, 2 2, एंड 3 3, 2 1, ओके 2 2, ठीक है 3 3. ओके गाइस, सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द सी एस सी एस
problem number 11. See you in the problem number 12. Goodbye.